सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे YouTube चैनल MK एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम CGPSC मेंस जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका पेपर नंबर 4 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जिसमें 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस ऐड किए थे उसका सॉल्यूशन का वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर सबसे पहले उन दोनों पार्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करना, जो लोग CGPSC मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम सेक्शन 3 जिसमें 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी शब्द सीमा सब है। तो यहाँ पे देखिए, लौह शोधन में वात्या भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन, ऐसे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और जानेंगे कि इसे अच्छे से अच्छा 100 शब्द में कैसे लिखा जाए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस 2018 मेंस के हैं। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस पेपर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को वॉच करने से पहले क्वेश्चन पेपर को या फिर क्वेश्चन पेपर के PDF को अपने सामने में रखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए विषय कोड 4 है, जिसमें विज्ञान, योग्यता परीक्षण, व्यवहारिक विज्ञान आदि शामिल है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सिलेबस है पेपर नंबर 4। इसमें भाग 1 है जिसमें 8 नंबर के क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पेपर को सामने में रखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये सेक्शन 3 के भाग 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो लौह शोधन में वात्या भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए, कितने शब्दों में करना है, तो 100 शब्दों में। जब लोहे का अपचयन तापीय अपचयन विधि से, जैसे प्रगलन, कार्बन अपचयन, धातु अपचयन, एल्यूमिनो तापी विधि आदि द्वारा किया जाता है, अर्थात लोहे का अपचयन प्रगलन या फिर धातु अपचयन विधि द्वारा किया जाता है, तब वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भट्टी में वर्जित अयस्क को कार्बन या समान अपचायक जैसे कोक या फिर कार्बन और गालक के साथ उच्च ताप में लगभग 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उच्च ताप के कारण अयस्क अपचयित होकर अलग हो जाती है, जिसे अलग कर लेते हैं। गालक अशुद्धि को धातु मल में परिवर्तित कर देता है, जो धातु से हल्का होने के कारण ऊपरी सतह पर रहता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, लौह शोधन में वात्या भट्टी में होने वाली क्रियाओं को आप 10वीं क्लास में या फिर 12वीं के केमिस्ट्री पार्ट में ज़रूर पढ़े होंगे। तो अगर आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो कम से कम 3 से 4 पेज में बनेगा, जिसको यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है 100 शब्दों में। यहाँ देखिए कि कैसे आपको 100 शब्दों में लिमिट में लिखना है, और ऐसे लिखना है कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं वो नहीं छूटे। जैसे यहाँ देखिए, लोहे का अपचयन, जैसे हम यहाँ पर हम लोग प्रगलन और धातु अपचयन के रूप में करते हैं, और कितने में डिग्री में गर्म करते हैं, तो यहाँ देखिए 700 से 1800। वैसे ही जो प्राप्त होता है अयस्क, वो अशुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका इक्वेशन भी आपको केमिस्ट्री में बताना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, फेरस ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो फेरस धातु प्राप्त हो जाता है, और धातु मल के रूप में जो भी निकलता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। वैसे बाकी सारे आपको 2 से 3 यहाँ पे एग्जांपल दे देना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस वाले एग्जांपल है उसको एक एक लाइन में देते जाना है, तो आराम से आपको 3 एग्जांपल 3 लाइन में आ जाएगा, और बाकी सारे में थ्योरी लिख लेंगे। अब भाग 1 का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अर्धचालक क्या है, PN डायोड की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य होती है, मतलब कि यहाँ पे ना तो ज़्यादा चालक और ना ही विद्युत रोधी है, अर्थात उनके बीच में, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, गैलियम फास्फाइड आदि अर्धचालक है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 8 नंबर मिलना है। तो यहाँ पे देखिए,
केवल अर्धचालक की परिभाषा में यहाँ 2 नंबर मिलेगा और पीएन डायोड की संरचना में यहाँ पे आपको और जो 6 नंबर है वो 3-3 नंबर करके डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको अर्धचालक बताना है, उसके बाद ये छोटा सा ड्राइंग बनाना है क्योंकि इससे चेकर के सामने अलग इंप्रेशन बनता है। तो यहाँ देखिए पीएन डायोड का भी आपको संरचना छोटा सा बना देना है। इसकी कार्यविधि देखते हैं, कार्यविधि में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि अर्थात डोपिंग से जोड़ दिया जाता है तब उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड पर 2 प्रकार से वोल्टता लगाई जाती है, तो पहला अग्र अभिनति से और या दूसरा है उत्क्रम या पश्च अभिनति से। जब डायोड में बैटरी के धन सिरे को पी के बाह्य सिरे से और रीड सिरे को पी के बाह्य सिरे से जोड़ा जाता है तो यह कार्य करने लगती है, अर्थात पीएन डायोड जो है कार्य करने लगती है। तो यहाँ पे देखिए कार्यविधि को भी आसानी से आपको बताना है। ये बाकी के यहाँ पे देखिए जो बाकी के लाइन्स दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। यहाँ तक 100 शब्द होता है, 100 शब्द अर्थात 10 लाइन मिलेगा लिखने के लिए वहाँ पे आंसर शीट में, क्योंकि RTI के थ्रू जो कॉपी निकली है उसमें देखा गया है कि 100 शब्द के लिए 10 लाइन मिलते हैं लिखने के लिए। अब भाग एक में क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव में सस्नांगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये 8 नंबर में डिवाइडेड है तो आपको ड्राइंग में कम से कम 3 से 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो भी ठीक है, और नहीं बनाते हैं तो अगर आपको अपना टाइम यहाँ पे सेविंग करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्राइंग ना बनाएं, क्योंकि उसका थ्योरी पार्ट को लिख कर आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे 3 या 4 नंबर के चक्कर में बाकी सारे क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्य के आधार पर श्वसनांगों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य या आवश्यक अंग, इसमें फेफड़ा शामिल है जो हृदय के दोनों तरफ फुफ्फुसीय गुहा से ढकी रहती है। दूसरा संवाही या सहायक अंग, ये गैसीय विनिमय से अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं गैसीय विनिमय में, संवाही या सहायक अंग। इसमें बाह्य नासा छिद्र, नासा पथ, स्वर यंत्र या लेरिक्स, श्वास नली या ट्रेकिया, श्वसनी या ब्रोकाई, श्वसनिका या ब्रोकियोल्स आदि शामिल है। और सभी के यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं नासा द्वार यहाँ पे होता है, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, यहाँ पे श्वास नली, यहाँ पे वलय है, उपस्थि वलय, यहाँ फुफ्फुस है, और यहाँ पे फेफड़ा के अंदर में जो संरचना होती है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे इस पार्ट को डायफ्राम कहते हैं, यहाँ श्वसनिका है, यहाँ कूपिका कोष है। तो आदि सबको आप सिंपल से डायग्राम बना के इन सारे नामों को आपको दर्शाना जरूरी है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। ड्राइंग उतना अच्छा भी नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कौन सा हिस्सा कहाँ पे है इस चीज़ को आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए 8 नंबर में भाग 2 से क्वेश्चन है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पार्ट है, तो याद रखिए भाग 2 से क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग 2 नंबर और 4 नंबर की सीरीज से आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक अनुक्रम में 7 पद शामिल है जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अनुक्रम का माध्य 80 है, यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है और प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है ताकि नया माध्य m मिले, तो मूल माध्य और नया माध्य m के बीच में अंतर याद कीजिए। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी मैथ्स स्ट्रीम वाले या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वह आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैथ्स को सॉल्व करना है क्योंकि स्कोरिंग करना है। तो और याद रखिए जब भी मैथ्स का आपको क्वेश्चन मिले तो ऐसा बीच में डिवाइड करके ही आप सॉल्व करना, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं मिल पाता है। और आप स्टेप को बिल्कुल भी मत काटना, क्योंकि स्टेप को जैसे आप गैप करते जाओगे तो नंबर देने में भी कंजूसी करता है चेकर। तो देखिए 7 पदों का माध्य यहाँ पे दिया गया है 80, 7 पदों का योग क्या हो जाएगा जो हम लोग 10वीं में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो 7 × 80 अर्थात 560। यदि प्रत्येक पद में 20 जोड़कर उसे 2 से विभाजित किया जाए, अर्थात जो 560 है उसमें 20 जोड़कर 2 से विभाजित किया जाए तो कितना हो जाएगा, 580/2, मतलब कि कितना आ जाएगा 290। अतः नया समांतर माध्य एम क्या होगा, 290/7 होगा, मतलब जितने पद हैं उसमें जो आया उसको डिवाइड कर देना है, तो इसका कुछ ऐसा आ जाएगा।
मूल माध्य और एम के बीच में अब अंतर देखना है। तो मूल माध्य क्या है? मूल माध्य हमारा यहाँ पे देखिए, अनुक्रम का माध्य दिया गया है कितना, 80। 80 में 41.1 को माइनस कर देना है तो 39.1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखना भी है जो दो लाइन बचा उसमें, अतः मूल माध्य और नए माध्य एम के बीच में अंतर 39.1 है, इतना आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मैथ्स पार्ट का। स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, बीच में भगाकर मत देखना, नहीं तो समझ आएगा। किसी नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं पी और आर के मध्य बिंदु क्यू है। यहाँ देखिए बिंदु पी है, बिंदु आर है, उसके मध्य में बिंदु क्यू है। कोई नाव पी से आर तक, अर्थात पी से आर तक पहले जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है तो 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती है बोल रहा है। पी से आर तक मतलब जा सकती है, आ सकती है कि है। यही नाव 12 घंटे में पी से क्यू तक जाकर, यहाँ देखिए 12 घंटे में पी से क्यू तक जाएगा, फिर वापस भी आएगा उसी ही टाइम में। इस नाव को आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? अब देखिए इस नाव को आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब इस दिशा में। पहले वो पी से आर जाता है 16 घंटे 40 मिनट में, अब वह आर से पी तक रिटर्न होगा, तो इसी टाइम को हमको निकालना है। तो पी से क्यू तक केवल जाने में कितना समय दिया है, 16 घंटे 40 मिनट बटे दो। यहाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग दिया है 16 घंटे 40 मिनट, तो उसको दो से डिवाइड कर देंगे तो उसके यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है और ये जो यहाँ पे पहुँचने का टाइम लगा है, तो दोनों टाइम हमको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो 8 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। अब देखिए क्यू से पी तक वापस आने में, तो क्यू से पी तक वापस आने में कितना है, यहाँ पे 12 घंटे है, तो 12 घंटे में 8 घंटे 20 मिनट को माइनस कर देंगे क्यू करेंगे, तो यहाँ देखिए क्यू से पी का हमें अलग से टाइम देख रहा है, दे रखा है 12, और हम लोग निकाले कितना है, 8 घंटे 20 मिनट। तो 12 में 8 घंटे 20 मिनट को माइनस करेंगे तो इसका एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। अब देखिए आर से पी जाने में, अब आर से पी जाने में जो हमें मेन पॉइंट है उसको निकालना है, तो क्यू पी हमें ये वाला, देखिए ये वाला पता चल गया है, क्यू पी कितना निकाले हैं, 3 घंटा 40 मिनट, तो उसका दुगुना करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा। तो क्यू पी इज इक्वल टू 1/2 RP, अर्थात वही है आर पी इज इक्वल टू 2 × QP। तो 3 घंटे 40 मिनट को रख दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घंटे 80 मिनट आएगा। तो इसको देखिए 6 घंटे 80 मिनट को यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे घंटा में चेंज करने के लिए, तो 7 घंटे 20/7, तो कितना हो गया, 7 घंटे कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए 80 मिनट में 60 मिनट 1 घंटा और हो गया, तो 7 घंटा। अब 20 मिनट बचा तो 20 मिनट को 60 में डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 × 2 और 2 3 6, तो 7 से ही 1/3, यही हमारा आंसर है। और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा अगर जगह मिलता है तो, अतः आर से पी जाने में वह नाव 7 घंटे 3 घंटे लेगा, 7 से ही 1/3 घंटे लेगा, 7 से ही 1/3 घंटे लेगा। फ्रेंड्स अब देखिए भाग 3 में व्यावहारिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये सारे विषय हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं उस सीरीज में जहाँ से हम लोग 2 नंबर और 4 नंबर के सॉल्व करते आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर को सामने में रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठोस अवशिष्टों के प्रभाव लिखिए, इसके प्रबंधन के समुचित उपाय समझाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ठोस अवशिष्ट क्या है उसको दिखाना है, फिर उसके प्रभाव को दिखाना है, फिर उसके प्रबंधन के क्या क्या समुचित उपाय किए जा सकते हैं इस चीज़ को दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मानव द्वारा उपयोग के उपरांत परित्यक्त ठोस पदार्थों को ठोस अवशिष्ट कहा जाता है, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, ठोस कूड़ा करकट इत्यादि। ठोस अवशिष्ट पदार्थ मृदा, जल एवं वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कूड़े करकट में अनेक बैक्टीरिया, मच्छर, मक्खी, चूहे इत्यादि पनपते हैं, जो विभिन्न रोगों को जन्म देते हैं व वायु प्रदूषण व वायु को प्रदूषित करते हैं। ठोस अवशिष्टों को नदियों, जलाशयों, समुद्रों में प्रवाहित करने से जल प्रदूषित होता है और विभिन्न जल जनित रोग होते हैं। इनके नालियों में एकत्रित होने से जल निकास की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ देखिए सिंपली मैंने अपशिष्ट क्या है उसको पहले बताया है, ठोस अपशिष्ट सॉलिड जो वेस्ट है उसको बताया है, उसके बाद उसके क्या क्या इफेक्ट हैं,
मानव जीवन में और नेचर में उस चीज़ को डिफाइन किया है। अब इसका जो प्रबंधन के समुचित उपाय किए जा सकते हैं उसको देखते हैं, तो सबसे पहले इसको संग्रहण किया जाएगा, फिर पृथककरण, फिर भंडारण, फिर परिवहन, फिर प्रसंस्करण, फिर निस्तारण। ऐसे करके 6 स्टेप में इसका प्रबंधन का समुचित उपाय किया जाएगा। उपरोक्त विधियों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानकों के आधार पर ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करके प्रदूषण एवं उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर पहले जो सिलेबस था, पहले जो पैटर्न था, उसमें ये क्वेश्चन 500 शब्द में आने के या 250 शब्द में आने के चांसेस थे, जिसमें आप इन सभी को अच्छे से डिटेलिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमको इसी को 100 शब्दों में लिखना है, और यही चैलेंज है पीएससी में कि आप पढ़े तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको आप शब्द सीमा में कैसे दिखाएंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आंसर लिखने का तरीका यही हो, लेकिन ये एक प्रयास है कि ऐसा लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाभिकीय प्रदूषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले नाभिकीय प्रदूषण को बताना है, फिर इसके कारण बताना है, फिर प्रभाव बताना है, फिर नियंत्रण के उपाय बताना है, ऐसे आपको लिखना है। तो परमाणु तत्वों को विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग करने के दौरान रेडियोधर्मी तत्व वातावरण में प्रवेश कर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिसे नाभिकीय प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पे आपको एक या दो नंबर मिलेगा। कारण बताएंगे, फिर इसका कारण बताना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु कचरा, परमाणु परीक्षण, खनन इत्यादि से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं। फिर प्रभाव बताना है। तो नाभिकीय प्रदूषण से ओजोन परत का ह्रास होता है, मनुष्य व जंतुओं में के गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। विस्फोट से समुद्र जल में प्रदूषण होता है। परमाणु संयंत्रों के रिसाव से हजारों लोगों की मौतें हो जाती है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, नाभिकीय प्रदूषण से जंतुओं एवं मनुष्यों के गुणसूत्रों में परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके नियंत्रण के उपाय बताना है कि नाभिकीय प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो नाभिकीय परीक्षण बंद कर देनी चाहिए। आणविक हथियारों का भविष्य में निर्माण पर रोक लगाना चाहिए। उत्खनन, परिवहन व भंडारण के दौरान विकिरण को रोकने के उपाय करने चाहिए। परमाणु कचरा व अपशिष्ट समुद्रों में विसर्जित न किया जाए। रेडियोधर्मिता से प्रभावित क्षेत्रों के निकट मनुष्यों व जीव जंतुओं का के विचरण पर रोक लगाने चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 लाइन है वो एक्स्ट्रा है, यहीं पर यहीं से 100 शब्द कंप्लीट हो जाते हैं। इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। मानव तथा वन्य जीवों में प्रतिस्पर्धा का वर्णन कीजिए, अर्थात दोनों के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वर्तमान परिस्थिति में, उस चीज़ को यहाँ पे आपको डिफाइन करना है 100 शब्द में। तो देखिए, यहाँ पे प्रकृति ने मानव को पर्यावरण के अनुसार जीवन यापन करने का संदेश दिया है, किंतु आज मानव पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तित करना चाहता है। इससे मानव और पर्यावरण के वन्य जीवों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके कारण वहाँ की परिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और दोनों में संघर्ष होता रहता है। अतः किसी भी प्रदेश की परिस्थितिकी का जो प्रभाव वहाँ के मनुष्यों के रहन सहन, आचार विचार, उद्योग, सभ्यता, संस्कृति, पेड़ पौधे आदि पर पड़ता है, उसके विपरीत आचरण करने से पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है। वन्य जीवों का शिकार करने की मानव प्रवृत्ति आदिकाल से चली आ रही है। वर्तमान समय में मानव इनका शिकार बहुमूल्य वस्तुएं जैसे खाल, सिंग, दांत, मांस आदि प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिससे दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। तो दोस्तों, इसका आप लोग अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको 100 शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा है। और दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए।